अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेला था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलिए 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 बोलिए। मैंने बोला तो क्या बोलिए? आप नाही रसन पर बोलिए। आप बोल के दिखाइए। आप सारी पर बोलिए। आप मोहर्रम अली पप्पू पर बोलिए। आप मदन भैया पर बोलिए। जो होगा मैं बोल रहा हूं आप ही बोलिए। हम दोनों मिलकर बोलेंगे। हम दोनों मिलकर बोलेंगे। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दागी प्रत्याशियों के सवाल पूछने पर पत्रकारों पे भड़क गए। अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने सपा बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को वो लाभ पहुंचा रही हैं, तो वहीं एक तरफ अखिलेश यादव से पूछे जा रहे लगातार दागी प्रत्याशियों के बारे में सवाल उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा सवाल जो है दूसरे प्रत्याशी पे, जिसका आपने जिक्र किया अभी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। आपने पूछा कि वो कौन, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप नाम ले लेंगे, आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन, बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप कह रहे हैं वो कौन, तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अगर वहाँ का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है क्या? आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे माफिया नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया? आप बोलिए ना, आपने तो सरकार में रखा उसको। पत्रकार कुछ भी बोल दे, आपके सरकार में थे वो आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेला था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलिए, माफिया के आरोप हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास में सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो, कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ, क्यों नहीं चल रहा कैंसर इंस्टीट्यूट?